युवा ने भगवान से क्या मांगा बताओ, क्या मांगा, क्या मांगा, जोर से क्या मांगा, दुख मांगा, क्या मांगा, क्यों मांगा? क्योंकि कुंती बुआ भी तो चाहती तो कह लेती है कन्हैया हमें भी धन धान्य दे दो ना। कुंती बुआ ने कहा विपत्ति देना गोविंद, क्योंकि सुख में हम आपको भूल जाती हैं, जब जब सुख आया आपसे दूर होती चली गई, पर जब जब दुख आया आपके करीब आ गई। हे श्याम सुंदर हमें विपत्ति दे दो, हमें दुख दे दो, हे भगवान हमें दुख दे दो। भगवान का स्मरण दुख में ज्यादा होता है, इसलिए कुंती बुआ ने विपत्ति दुख मांगा। विपदा संतो न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हमारे यहां सुख मांगा ही नहीं गया कभी, आज तक किसी भक्त ने यह कहा हो कि हे भगवान हमें सोना चांदी धन धान्य दे दो तो मुझे नाम बता। जो धन मांगे उन्हें हम लोग राक्षस कहते हैं, रावण ने मांगा उसे राक्षस कहते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने मांगा वो राक्षस कोटि में है। हमारे यहां धन मांगने वालों को राक्षस कहा गया है और भगवत भक्ति मांगने वालों को भक्त कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया। हमारे यहां धन की, हमारे यहां धन फर्स्ट नंबर पर नहीं है। क्या फर्स्ट नंबर पर है? क्या? धर्म, भगवत प्रेम, प्रेम मांगो भगवान से। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंत में श्रीमद् भागवत जी लिखी और नारद जी ने कहा कि भागवत जी लिखो। व्यास जी 17 पुराण लिख के अशांत थे, तब नारद जी ने कहा भागवत लिखेंगे तब शांति मिलेगी। शांति पाना हो तो भागवत सुनना पड़ेगा, बिना भागवत सुने शांति नहीं मिलेगी। शांति जरूरी है जीवन में, धन जरूरी नहीं है। धन वाले बहुत, धन होने पर भी कुछ लोग अशांत रहते हैं। शांति सत्संग से ही प्राप्त होगी, इसलिए सत्संग जरूरी है, आवश्यक है। व्यास जी महाराज ने भागवत जी लिखी, 18,000 श्लोक लिखे। कहां से स्टार्ट किया भागवत जी को? महाभारत के युद्ध से। आप में से कितने लोगों ने महाभारत के युद्ध को देखा है टीवी पर? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं कि अब कुरुक्षेत्र में जाके देखे। महाभारत का युद्ध आपने टीवी पर सीरियल के माध्यम से देखा, अभी लॉकडाउन में खूब देखा। अच्छा, महाभारत जब आपने देखा तो आपने क्या सीखा? चलो आपने पढ़ा नहीं, महाभारत देखा तो है, घटनाएं जानते हैं आप, वाक्य जानते हैं आप, बताइए आपने महाभारत से क्या सीखा? ये मैया बताएंगी, मेरी मां पीछे वाली मैया। हाँ आप बताओ क्या सीखा आपने महाभारत की कथा, महाभारत से आप लोगों ने क्या मैसेज लिया, क्या शिक्षा ली, क्या सीख ली, क्या सीखा? क्या पीली मैया के बगल में गुलाबी मैया, क्या डिसुम डिसुम सास बहू लड़ना सीखा? तो लड़ती हो, बढ़िया चल रही लड़ाई भिड़ाई। महाभारत के युद्ध से हमने क्या सीखा? कोई भी घटना हो, कोई भी वाक्य हो, कुछ भी हो, हमें सीख लेनी चाहिए। महाभारत की कथा हमें क्या सिखाती बताओ? महाभारत की कथा सिखाती है कि यदि बाप धृतराष्ट्र जैसा हो और मां गांधारी जैसी हो तो बेटा दुर्योधन जैसा जरूर होगा। इसलिए बाप को अंधा नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है आप बताइए चश्मा वाले भैया? अंधा मतलब आंखों से अंधा या विचारों का अंधा?
अंधा आप किसे मानते हैं? जिसके पास कोई पॉजिटिव विचार ना हो, सकारात्मकता ना हो, अच्छी सोच ना हो, तो आप उसे अंधा ही मानो, लंगड़ा ही मानो उसे आप? और गांधारी मां, पहली बार ऐसी स्त्री हमने देखी। अच्छा एक बात बताओ, किसी का पति अंधा हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ले, ये सही है या गलत है? गांधारी का पट्टी बांधना आंखों में, ये निर्णय सही था या गलत? काश आप लोगों से पूछ लिया होता गांधारी ने। आप लोगों से पूछ ली होती तो बेचारी बच जाती सर्वनाश से। कहां थे तब आप लोग? गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना गलत निर्णय था। सही निर्णय यह था कि यदि पति अंधा था तो आप उनकी आंखें बन करके उनका मार्गदर्शन करती, सही गलत का बोध कराती। आप पत्नी थी, आप बताती कि क्या सही है और क्या गलत है। आप तो भरी सभा में, अच्छा गांधारी माने अपनी आंखों की पट्टी उतारी है? बोलो हां, गांधारी माने अपनी आंखों से पट्टी भी उतारी। एक बार बताओ कब उतारी? दुर्योधन के जब 99 पुत्र मारे गए, सिर्फ दुर्योधन बचा, उसके प्राणों की रक्षा के लिए पट्टी हटाई। कल तुम सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुम्हें देखूंगी, निर्वस्त्र देखूंगी, तो कल तुम वज्र के हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई मार ना सकेगा। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो सही, पर किसके लिए? दुर्योधन की रक्षा के लिए। काश द्रौपदी की रक्षा के लिए मां ने पट्टी उतार दी होती कि बेटा दुर्योधन, तुमने एक नारी का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की। यदि द्रौपदी के सम्मान में पट्टी उतार दी होती, उनके अपमान के समय उतार दी होती और पुत्र को दंड दिया होता, तो आज ये सर्वनाश की नौबत ही नहीं आती। लेकिन क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि।